Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique and Javed. Now it's time for tips of the day. नाज़रीन कल जो 327 की कमी हुई वो तो कमी हुई उसकी वजूहात जो यही बताई गई कि दार साहब का हटना वैसे तो एक वेलकम न्यूज़ है मेरे नज़र में लेकिन कल मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया कि पता नहीं अब कौन आएगा क्या उसकी पॉलिसी होगी एक फैक्टर ये रहा बाकी और भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट कल गिरी अच्छी खासी हालाँकि शुरू में अच्छी खासी पॉजिटिव जा रही थी लेकिन जो अच्छी बात है इसमें यह है कि कल की गिरावट में गोरों ने बेचा म्यूचुअल फंड ने बेचा आप लोगों ने ख़रीदा विच मेक्स मी वेरी हैप्पी कि 2.44 के शेयर्स आपने ख़रीद लिए म्यूचुअल फंड ने 3.2 बेचा फॉरनर्स ने 2.17 बेचा ये सारी जो गिरावट रावट है जो हालात हैं ये सब वक्ती हैं कंपनीज़ आर डूइंग फाइन आज ही जो एक खबर है कि गाड़ियों के सेल में पहले तीन महीने ऑफ द ईयर दैट इज़ जुलाई टू सेप्टेम्बर जो फिगर आए उस पर 31% इंक्रीज़ है गाड़ी एक बहुत महंगी चीज़ ये बात हो रही है जीप और कारों की यहाँ पे बात हो रही है 20 लाख 50 लाख की वो अगर इतने रॉबस्टली बिक रही हैं तो ये इंडिकेट करती है कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन देयर कैश फ्लो विच इज़ कमिंग थ्रू और वो ओवरऑल इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रही है इससे पहले हमने सीमेंट का भी इस फिगर देखा रिकॉर्ड लेवल बहुत बात की गई कि सीमेंट इंडस्ट्री को ये हो गया कुछ भी नहीं हुआ सीमेंट सबसे ज़्यादा बिका है अक्टूबर में पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतना कभी सीमेंट नहीं बिका जितना अक्टूबर में बिका तो आप देख रहे हैं कि बेइंतहा एक्सपेंशन भी जारी है सीमेंट में क्यों एक्सपेंशन में जा रहे हैं लोग पावर क्यों अपना 9 लाख को 34 लाख कर रहा है क्या क्यों उसको बैंक ने 25 बिलियन का कर्ज़ा दे दिया तो क्या वो लोग वर्किंग नहीं करते क्या बैंक ऐसे ही उठा के 25 बिलियन दे देता है क्या पावर सीमेंट ने स्टडी नहीं कराई होगी कि अगले 200 साल में 50 साल में क्या क्या होने वाला है सीमेंट सेक्टर पे जिसके बेसिस पे वो एक्सपेंशन कर रहा है इसी तरह आप देख रहे हैं कि स्टील में हमारे जो लिस्टेड कंपनीज हैं मोगल स्टील 2 मिलियन से 3 मिलियन पर जा रहा है यानी 50% इंक्रीज़ आपसे भी पैसे लिए बैंकों से भी पैसे लिए तो कोई बगैर प्लानिंग के वैसे ही ले लिया नहीं उनको नज़र आ रहा है कि देर इज़ अ डिमांड एक एक्सपर्ट आए थे उन्होंने कहा कि अभी जितना स्टील बन रहा है उसका 10 गुना भी हो जाए तब भी डिमांड ख़त्म नहीं होगी तो यार ये मुगल जितना भी एक्सपेंड करे कोई बात नहीं है देर इज़ अ डिमांड अमरेली पता नहीं 350 से शुरू हुआ था 9 लाख की तरफ जा रहा है इसी तरह आयशा एक्सपेंड कर रही है इंटरनेशनल स्टील ने अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया तो ये सारी कंपनी जो आपके पास हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सब इनका माल बिक रहा है All cement companies are doing fine. All steel companies are doing fine. All car related companies are doing fine. इनके एसेसरी बनाने वाले लॉट्स टाइप की कंपनी सिंथेटिक प्रोडक्ट वाली कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिक रहा है तो आप लोग ये शेयर वेयर नहीं बेचें अगर आपको बेचना है तो बेचें और कहीं ऐसी जगह लेके जाएं जहां आपको इससे ज़्यादा आमदनी हो रिफाइनरी के शेयर्स आजकल गिरे हुए हैं उसकी एक वजह हो गई कि सडनली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया विच इज़ ए गुड डिसीजन कॉस्ट भी कम होगी इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है कि 6000 मेगावाट बिजली जो इस वक्त फर्नेस ऑयल से बन रही है उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एलएनजी एलएनजी का जो कॉस्ट है वो 8 रुपये का है फर्नेस ऑयल का कॉस्ट 12 रुपये का है तो इस लिहाज से वो सही है फिर धुआं भी नहीं छोड़ेगा लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पीएसओ को ये बताया नहीं गया पीएसओ ने 12 मिलियन टन फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया जबकि यहाँ फर्नेस ऑयल की डिमांड एकदम से घट गई बिकॉज सारे पावर प्लांट ने लेना छोड़ दिया तो एक प्रॉब्लम आ गई बाइकों ने अपना प्लांट बंद कर दिया अटक बंद कर रहा है इसकी वजह से ये खबरों की वजह से स्टॉक इनकी बहुत नीचे आ रही हैं आप लोगों को चाहिए कि तमाम स्टॉक ख़रीद लें क्योंकि ये जो मसला फर्नेस ऑयल का ये वक्ती है ये ख़त्म हो जाएगा फर्नेस ऑयल क्या है फर्नेस ऑयल कचरा है जब ये क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है उसके अंदर से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं इंक्लूडिंग परफ्यूम तो उसका जो आखिरी हिस्सा बच जाता है वो जो मादा शक्ल में होता है उसको हम वो फर्नेस ऑयल बन जाता है और जो और सॉलिड होता है उससे हम तारकोल बनाते हैं ये दोनों चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं क्रूड से भी सस्ती होती हैं ये एक बाई प्रोडक्ट है इसका ना इनका इनकम ना होना इन कंसर्न तो ज़रूर है रिफाइनरी के लिए लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्लस बात चल रही है कि क्यों ना फर्नेस ऑयल को एक्सपोर्ट कर दिया जाए बिल्कुल अच्छी खबर
ये हमारे उमेर भट्ट साहब ने तजवीज़ दी कल, ये ब्रिलियंट जेंटलमैन फ्रॉम लाहौर, बिजनेसमैन हैं लेकिन टाइम निकालते हैं, कौम के लिए खिदमत करते हैं, मुझे फीड करते हैं, आप लोगों को फीड करते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ से। तो उन्होंने कहा चलो गलती से इम्पोर्ट हो गया तो हो गया, अब इसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है कॉस्ट आएगा, वी हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट, मगर ये रिफाइनरी का रोना पिटना तो बंद हो जाएगा। तो 12 के बजाय 50 मिलियन टन भेज दें, एक्सपोर्ट कर दें, कहीं भी भेज दें जहाँ पावर प्लांट अभी भी इससे चल रहे हैं, बिक जाएगा। तो हल होता है हर चीज़ों का, तो इस पर इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिफाइनरीज़ को भी आप ना बेचें, सीमेंट को ना बेचें, स्टील को ना बेचें, बैंक्स को ना बेचें। मॉनेटरी पॉलिसी आज आ रही है, जितने एक्सपर्ट से सुबह से बात हुई है सब ने कहा कि अनचेंज्ड, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो इम्पैक्ट। तो बैंक को ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट जनरल को कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मॉनेटरी पॉलिसी से। तो बैंक्स के शेयर्स अभी भी 4-5% यहाँ कमाई है, हम लोग पूरी दुनिया में 1% 1.25% के लिए तरसते रहे, तो अभी भी यहाँ बड़ी गुंजाइश है, आप बैंक्स के शेयर ना बेचें। और देखते हैं अगर क्या स्टॉक और कौन सा सेक्टर है जिसको नहीं बेचना चाहिए आपको। फर्टिलाइज़र भी आजकल अच्छा कर रहा है, इसको भी ना बेचिएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाही साहब, वेलकम शो साहब। माशाल्लाह मैं कह रहा था ये पाकिस्तान के अंदर धरने का सीज़न चल रहा है, ये इमरान खान ने धरना लगा के मुल्क का बेड़ा घर कर दिया हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। मार्केट भी हमारी ख़राब हो गई है, मार्केट भी 1800 डॉलर गिर गई है, अरब रुपए इतना नुकसान हो गया गरीबों का, और ये कुछ सोचते नहीं है। मुल्क के मफाद में कोई भी नहीं है, इस मुल्क में साइंसदान इस वक्त पैदा हुआ, सब अपने मफाद में लगे हुए हैं। जब तक मुल्क का मफाद नहीं होगा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क को पीछे लेके जा रहे, आगे लेके जाते नहीं है, ये कोशिश भी नहीं कर रहे आगे जाने की, ये तो बस कह रहे हैं गोल तराई में इस मुल्क को घुमाते रहो, बस माल खाते रहो और आवाम को बस बेवकूफ़ बनाते रहो। ये कब तक चलेगा तारिक साहब? यहाँ तो पाकिस्तान में हर आदमी करप्शन है, आपको करप्शन एक सेकंड में पकड़ सकते भाई, शो मी योर। कौन ठीक करेगा इस पाकिस्तान को जबकि तमाम के तमाम अहम पोजीशन पे यही जागीरदार जमींदार बैठे हुए हैं, फौज में भी बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हुए हैं, तमाम MMP MNA यही हैं, तो अपने आप अब खिलाफ कौन बोलेगा? ऐसा तो लगता है कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अगले 50-60 साल तक भी ऐसी आवाम को पीसा जाएगा। 15 रुपये का गंदम जितना चाहो इम्पोर्ट कर लो, मैंने कल ट्विटर लिखा नवाज शरीफ मरियम शरीफ CM शहबाज को कि भाई 15 रुपये का गंदम पूरे दुनिया में है, क्यों नहीं अलाउ कर देते हो कि इंपोर्ट कर लिया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। सैलानी से कहें, ईदी वालों से कहें कि भाई तुम लोग इंपोर्ट करो नो टैक्सेस और आवाम में बांट दो, आवाम सैलानी को पैसे दे दे 15 रुपये की, आवाम को बांट दो फ्री में गंदम, गुर्बत बहुत कम हो जाएगी। चीनी जितना चाहो इस वक्त 35 रुपये का मंगा सकते हो, मंगाने दो, आज़ादारी जो है उसको ख़त्म कर दो, तो चीनी जब आके 35 रुपये भी लोगों को मिलेगी, मैलन्यूट्रिशन कम हो जाएगा बहुत। इसी तरह दूध 22 रुपये का हो गया, कभी 60 रुपये का था इंटरनेशनल मार्केट में, अब 22 रुपये का। उसकी बहुत बड़ी वजह यह हुई कि दुनिया भर में एग्रीकल्चर लॉबी ने इतनी ज़्यादा मरात ले ली कि अब यूरोप में एक गाय रखने पर 1 मिलियन यूरो की सब्सिडी मिलती है, तो लोगों ने गाय बढ़ा दिया, गाय बढ़ाया तो दूध बढ़ गया, दूध बढ़ गया तो दूध की कीमत नीचे आ गई, वहाँ पे आबादी तो बढ़ नहीं रही, दूध बढ़ रहा है। तो $6,000 से घटते घटते $2,200 पर मिलियन लीटर दूध हो चुका। तो मैंने कल लिखा अपने बड़े लीडरों को, और फिर बाद में इमरान खान, फारूक सत्तार, ANP के लीडर, पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल साहब, इमरान साहब को भी टैग किया है, ISPR को भी टैग कर दिया ताकि उनको भी पता चले फौजियों को कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, कि भाई दूध बेचारे ईदी जिसको आजकल वो रिजवी गाली देता है, उसको आप कहें कि भाई दूध मंगा और बच्चों में बांट दे ताकि हर दूसरा बच्चा छोटा ना रह जाए, स्टंट ना हो जाए इस मुल्क में, और थर में बच्चे इतनी बड़ी तादाद में ना मरे। 22 रुपये का मंगाएगा ईदी वाला, 25 में पहुँचा देगा आपके घर पर, या आप जाके पोर्ट से उठा लेना। क्यों नहीं करते भाई? तुम लोग को मरना नहीं है, आखिरत नहीं देखनी है,
यहीं फिरौनियत करते रहोगे, कब तक करोगे? तो प्लीज़ तमाम लीडरशिप से दरख्वास्त है कि और कुछ करें ना करें, आटा, चीनी, दूध सस्ता कर दें ताकि लोग रोटी पराठा बना के खा लें, साथ साथ खुरदुनी ऑयल भी थोड़ा सस्ता कर दो ताकि लोग खा लें, चाय की पत्ती भी सस्ती रखो, वो सस्ती है, ताकि लोग चाय रोटी खा लें, पराठा बना के खा लें, ताकि बेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए। इतने जो पेट में दर्द होता है जब भूख लगती है, जो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है जब अल्लाह के कहने पर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं आप, क्या हाल होता है आपका 2 बजे 3 बजे। और यहाँ ऐसी फैमिलीज हज़ारों लाखों हैं जो पूरे साल रोज़ा रखती हैं क्योंकि उनको पेट भर के कभी खाना नहीं मिलता। बच्चे को एक रोटी दे दी जाती है चाय के साथ सुबह को, फिर कहा जाता है कि रात को मिलेगा, उससे पहले मांगोगे तो थप्पड़ मिलेगा। ऐसे मुल्क में आपने आटा इतना महंगा रखा हुआ है, 50 रुपये का आटा, 70 रुपये की चीनी, 85 से लेकर 150 रुपये का दूध, जो कीमत इंटरनेशनल वो आपको बता दी, ये जुम नहीं चलेगा। अभी मुजीबुर्रहमान खान साहब कह के गए, फ्रांस का हवाला दिया उन्होंने, रशिया का हवाला मैं देता हूँ आपको, क्यूबा का हवाला देता हूँ, ब्राज़ील में जो हुआ उसका हवाला देता हूँ, वेनेजुएला में जो हुआ उसका हवाला देता हूँ, अर्जेंटीना में जो हुआ उसका हवाला देता हूँ। ये जुम चलते चलते एक दिन अवाम उठ खड़ी होती है और उखाड़ के फेंक देती है बड़े बड़े लोगों को। तो वक्त आ रहा है इसका। मुझे रहमान साहब पार्टी लेके आए, तारिक खान लेके आए, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई लूलू पैदा होगा इस मुल्क में, जो अवाम से 5 रुपये 10 रुपये का चंदा लेगा, दूध वाले से नहीं लेगा, नेस्ले वाले से नहीं लेगा क्योंकि नेस्ले के ख़िलाफ़ बोलता है, आटे वाले से नहीं लेगा, चीनी वाले से नहीं लेगा, 65 चीनी के मिल हैं, 65 बड़े लोगों के, उससे नहीं लेगा कोई चंदा, ना उनको इलेक्शन में खड़ा करेगा। आप लोगों से कहेगा कि 100 रुपये महीना दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से लोगों में इंफॉर्मेशन पहुँचा के जीत जाएगा, जैसे बर्नी सैंडर्स जीत गया और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, तो ऐसा होने वाला है जी, तैयार रहिए। इसी के साथ इस सेक्शन से इजाज़त चाहता हूँ।